गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन. हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स? एंड इन दैट क्लास वी लर्न दैट देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. And we have learned the one mode of nutrition, that is autotrophic nutrition. We have seen that the plants can carry out the photosynthetic reaction because it contain chlorophyll, and the different conditions we learned in that class. Now in this class we will learn another mode of nutrition, that is heterotrophic nutrition. Beta, as you know that most of the plants carry out the photosynthetic reaction because it contains chlorophyll, but there are lots of plants also on the earth which do not have chlorophyll, or they are growing in such place where light is not available for the photosynthesis reaction. Such plants depends on other organisms for nutrition. However, some plants, even though they contain chlorophyll and also carry out the photosynthetic reaction, depends on other organisms for certain nutrients. Means कि कुछ plants, हालांकि उनके पास chlorophyll भी present होता है, अगर chlorophyll present है तो may possible वो ऐसी जगह पर grow कर रहे हैं जहाँ पर properly light नहीं available है, या चलो light भी available है, chlorophyll भी present है, तो भी वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की उनके पास कमी रह जाती है. सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. मीन्स वो न्यूट्रिशन का मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए, वो क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑफ फोर टाइप्स: पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बियोटिक प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पैरासिटिक प्लांट्स. दिस पैरासिटिक प्लांट्स, a parasitic plants is one that is partially or completely depends on another plant for nutrition. beta, parasitic plants partially bhi depend karte, partially means thoda bahut kisi se body mein, kisi ki body ke upar chipak jate hain aur wahan se nutrition suck karte hain, aur kai bar wo completely depend karte hain, means wo pure apne body ko, wo to khud nourish hote rehte hain, aur dusra plant jo host plant hote hain, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में, हम लोगों के घर में कोई मेहमान आया है तो मेहमान हमारे लिए क्या होंगे? गेस्ट. और हम उनके क्या होंगे? होस्ट प्लांट. तो इसी तरीके से जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो किसी भी प्लांट के ऊपर स्प्रेड होने लग जाते हैं और न्यूट्रिशन को सक करते हैं. यूजुअली पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स विच पेनिट्रेट इन टू द टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट. दे सक द प्रिपेयर्ड फूड. क्लियर? सम एग्जाम्पल्स आर कस्कूटा, जिसको हम लोग डॉडर भी बोलते हैं, और मिस्टेलोय. यू कैन सी द फिगर ऑल्सो. इन पैरासिटिक प्लांट ओनली द पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट्स, मीन्स पैरासिटिक रिलेशनशिप में हमेशा पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट पाते हैं, और जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं हार्म द होस्ट प्लांट फॉर सम एक्सटेंट बाई स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ एंड समटाइम्स कॉजिंग हैवी डैमेज. However, parasitic plants rarely kill the host plant. Means कि parasitic plant के अंदर क्या होता है कि वो कुछ हद तक host plant को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन कभी और बहुत कम ऐसे conditions देखी गई हैं जहाँ पर वो पूरी तरीके से उसे नष्ट कर देते हैं. ठीक है, now come to the next topic, saprophytic plants. A saprophytic plants is one that obtain its nutrients from the dead and decaying plants and animal matter. Means जो भी सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स हमेशा डेड और डिके सड़े गले पेड़ प्लांट और एनिमल्स होते हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स गेट करते हैं. सैप्रो का मतलब होता है बेटा रोटिंग, मींस सड़ा हुआ, एंड फाइटन मींस प्लांट. इट इज़ यूजुअली व्हाइटिश इन कलर, बट सम प्लांट्स कैन हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स. दीज प्लांट्स ओफन हैव नो लीव्स एट ऑल. दे ऑफन ग्रू इन डीप शेड्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. एग्जाम्पल इंडियन पाइप एंड कॉरल रूट. सी द पिक्चर बेटा,
the roots of the saprophytic plants contain organism called fungi. Means saprophytic plants की जो roots होती है उनमें fungi present होती है. और fungi क्या करती है, जितने भी जो भी ये saprophytic matter होता है dead or decaying matter, उसको nutrients में convert कर देती है like sugar. ठीक है. Now insectivorous plant. Insectivorous plants are the one that derive some or most of the nutrients by trapping and consuming animals, mainly insects. Means insectivorous को हम insect eating plants भी कह सकते हैं. These plants mostly grow in places where the soil is deficient in certain nutrients. Example, nitrogen. These plants mostly grow in places where the soil is deficient in certain nutrients like nitrogen. Means insectivorous plants की body में nitrogen की shortage होती है, जिसको वो accomplish करने के लिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप, पीटर प्लांट, ड्रोसेरा और ब्लैडर वर्ट. बेटा यू कैन सी द वीनस फ्लाईट्रैप, द लीव्स हैज मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स. नाउ पीटर प्लांट, पीटर प्लांट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ ट्यूबुलर पिचर लाइक स्ट्रक्चर. द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइन विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स दैट डू नॉट अलाउ एनी ट्रैप्ड इंसेक्ट्स टू क्लाइंब अप एंड एस्केप. मीन्स पिचर प्लांट में एक तरह से वो अपनी बॉडी को एक पिचर यानी मटकी की तरह वो मॉडिफाई कर लेते हैं, और एक बार इंसेक्ट इसके अंदर चला गया तो फिर वो वापस से ऊपर नहीं आ सकता है. और द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पिचर कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेस्ट the trapped insects. Look at the sundew. Sundew plants have long thin structure called tentacles which have a drop of sticky substance called mucilage. Means जो भी sundew होते हैं उनकी जो body होती है sticky substance called mucilage. At their end, when the insect touches the tentacles, it gets stuck in the mucilage and is unable to escape. The slender leaf of the bladderwort bear a large number of very small pear-shaped bladder structure which act like a trap door and suck in small insects in less than a second. Now the symbiotic plants. Certain plants live in association with other organisms, share food and other resources. Both the types mutually gain from each other. Symbiotic plants में क्या होता है कि कुछ दोनों ही plants एक दूसरे को benefit करते हैं. Means certain plants live in association with each other, share both food and other resources. Both the types of plants mutually gain from each other. Means एक दूसरे से लेते रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं. Such plants are called symbiotic plants and the relationship is called symbiosis. The most common example is lichen. Lichen are symbiotic association between fungus and microscopic chlorophyll containing organism called green algae. Algae का singular form क्या कहलाता है, alga. The algae provide nutrients to the fungus and the fungus helps the algae to grow in harsh condition and places where they could otherwise not survive. Means जो lichen होता है वो fungus और algae इन दोनों का combination होता है. algae क्या करती है, क्योंकि algae green color की होती है इसलिए वो food provide करती है, और जो fungus होते हैं वो harsh condition के अंदर जहाँ पर fungi grow नहीं कर पाती है, सॉरी एल्गी ग्रो नहीं कर पाती है, वहाँ पर वो उसको कंडीशन प्रोवाइड करती है कि वो इजीली ग्रो कर सके. नाउ द रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. मीन्स सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से रिप्लेनिश करें कि वो हर साल हर वक्त एक दूसरे की हेल्प करें. सम प्लांट्स यूज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ. मीन्स प्लांट को कुछ खाद की ज़रूरत होती है और खाद में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. क्योंकि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ डेप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. ठीक है कि मैन्यूर्स जो खाद होती है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं, मीन्स प्रोवाइड करते रहते हैं. ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स को नाइट्रोजन के अलावा पोटेशियम और फॉस्फोरस भी चाहिए. तो इसीलिए जो सिम्बियो एक एग्जांपल देखिए, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस बोलते हैं दाल को, यानी कि जितने भी आप दाल वाले प्लांट्स देखेंगे उनकी जो रूट्स होती है वहाँ पर आपको
कुछ नोड्स गांठे नजर आएंगी। उन गांठों के अंदर कौन से एक बैक्टीरिया रहते हैं, उन बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। तो ये क्या करते हैं, द राइजोबियम कन्वर्ट द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इंटू यूजेबल फॉर्म, एग्जाम्पल अमोनिया, और द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैक्टीरियाज ग्रोथ। ठीक है, कि जो राइजोबियम होते हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और इन रिटर्न वो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो समटाइम्स फार्मर्स आल्सो ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स अल्टरनेटिवली विद द अदर क्रॉप्स टू रिस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। रीड द चैप्टर केयरफुली एंड प्लीज आंसर मी द क्वेश्चन। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। नेम द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट इन द कमेंट सेक्शन। मीन्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्लियर? थैंक यू।